सीएसके ने आज इस चेस की शुरुआत कमजोर की। टॉप थ्री बल्लेबाज एक एक रन एक जीरो, ऐसा प्लेटफॉर्म अगर बनाएंगे तो फिर गाड़ी स्पीड नहीं पकड़ पाएगी सर, नहीं पकड़ पाएगी। देखिए ना, एक एक शून्य और पावर प्ले के अंदर ये आंकड़े जब हम लोग खेलते थे तो वीडियो एनालिस्ट हमेशा बताते थे कि पावर प्ले के अंदर अगर तीन विकेट चटक जाती है जल्दी तो अधिकतर समय वो टीम जीत नहीं पाती। तो आज भी वही हाल रहा और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि MS धोनी का 8 नंबर पे आना भी ये चेन्नई का ना जीतने का एक कारण भी है, क्योंकि अगर आप स्ट्राइक रेट पे अगर ध्यान लगाएं तो कितना है बोलिए तो 236 के स्ट्राइक रेट पे MS धोनी ने बल्लेबाजी की, हालांकि अंत में किए हैं, लेकिन ये स्ट्राइक रेट अभी सारे बल्लेबाज को अगर उठा लेना सबसे अधिक है इनके, बिल्कुल, और ये अच्छे लय में भी चल रहे हैं। तो जब मौका था तो आप 236 वाला स्ट्राइक रेट ऊपर जाके भी जडेजा तो फॉर्म में है, शिवम दुबे फॉर्म में, मिचेल ने और अली ने रन बनाए तो और कितना ऊपर आता। तो इनसे पहले फॉर्म में कौन था इतने सारे मैचों में? MS धोनी था। स्ट्राइक रेट अगर निकाल लो इन लोगों का ओवरऑल, तब शार्दुल को ऊपर भेजा था उन्होंने, आज तो ठीक ही आए पाजी के नहीं, 8 नंबर ठीक है, मतलब इस लाइनअप में और कहां आते वो पता नहीं। हम देखो अब ये डिबेट खत्म कर देनी चाहिए, MS धोनी कहां आएंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि जो उनकी प्रॉब्लम है वो जाने, हम लोग बार बार उनके बहस करते हैं कि उनको ऊपर आना चाहिए नीचे आना चाहिए, ऊपर कहाँ खेलना चाहिए। अब वो उनकी टीम है, वो जहाँ मर्जी आए जहाँ मर्जी खेले, लेकिन ये है कि अगर मैच जीतना है तो जिस फॉर्म में वो है उस फॉर्म जिस स्ट्राइक रेट पे वो बैटिंग करते हैं उनको दूसरों को भी उस स्ट्राइक रेट पर बैटिंग करेंगे तो ही तो जीतेंगे जी। आज ऐसा लग रहा था कि मिचेल और अपना अली की पार्टनरशिप, मोइन अली की पार्टनरशिप शायद ऐसी चल रही है कि क्या वो ऋतुराज और गिल की पार्टनरशिप को मैच कर सकते हैं, करते तो ही कुछ बनता, क्योंकि एक ना एक प्लेयर को तो 100 बनाना पड़ता है, या उन दोनों के आउट होने पे फिर कोई शिवम दुबे रविंद्र जडेजा इनमें से किसी को 20-20 बॉल पे 50 रन बनाने पड़ते तब जाके वो क्लोज पहुंचते, और वो बहुत कम होता है चेज करते हो जब 232 रन चेज करते हो। तो अब मैं तो उस डिबेट में बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहता कि MS धोनी कहाँ जहाँ आए ठीक खेले खेल के चले गए, एंटरटेन किया पब्लिक को, क्या फर्क पड़ रहा है जीते आ रहे, एंटरटेनमेंट दिए ना उन्होंने पब्लिक को, बस आगे बढ़ो। नहीं हाँ, अगर एंटरटेनमेंट के हिसाब से अगर आ रहे हैं खेल रहे हैं तो ठीक है, बट मैं तो जीत के हिसाब से बता रहा था भाई क्योंकि इस साल की अगर सीजन अगर आप देखें ना तो ये आउट ही नहीं हो रहे हैं, 236 के स्ट्राइक रेट पे 200 के ऊपर मार रहे हैं, तो क्यों नहीं ऊपर आके कोशिश तो ले कम से कम मैच जीतने की। और अभी इस स्थान में यहाँ से मैच अगर दो मैच अगर नेक्स्ट वाले हार जाते हैं तो चेन्नई नीचे भी जा सकती है, बिल्कुल क्वालीफाई भी नहीं कर सकती, बिल्कुल जा सकती है।